गांव के दबंग व्यक्ति व उनके परिजन बने ग्राम विकास में बाधा। महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा बघारा में ग्राम पंचायत निधि से इंटरलॉकिंग का कार्य ग्राम प्रधान नरेंद्र यादव द्वारा कराया जा रहा है, जिसका विरोध गांव के ही छेदालाल साहू, विनोद ब्रजलाल, इंद्र कुमार, बहादुर, दीपू, जो कि एक ही परिवार के सदस्य हैं और इनके घर में महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। रास्ते पर इंटरलॉकिंग लग जाने के बाद छेदालाल साहू ने अपने घर की महिलाओं को आगे करके इंटरलॉकिंग में लगे ईंटों को उखड़वा दिया। जहां एक तरफ पूरा गांव चाहता है कि रास्ता बन जाए जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो, रास्ता बन जाने से सबका लाभ है, किंतु छेदालाल साहू और उनके परिवार निर्माण कार्य में बाधा बने हुए हैं। वहीं देखने वाली बात यह है कि छेदालाल साहू स्वयं खाद के गड्ढों पर अपना मकान बना लिया है और रास्ते पर कब्जा करने की फिराक में है। दबंग छेदालाल की शिकायत जिलाधिकारी से लेकर SDM, तहसील, कानून को, लेखपाल, थाना प्रभारी व अन्य जिम्मेदारों से की गई, पर सब दबंग छेदालाल के आगे नतमस्तक नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि ग्रामवासियों को रास्ता मिलेगा या दबंग छेदालाल को अवैध। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप है, मेरा ये घर है और ये मेरा मकान है और ये। आप संदीप जी, आप कहाँ के निवासी हैं? मैं यहीं का मूल निवासी हूँ, ये मेरा अपना घर है। कौन सा गांव है ये? ये बघारा गांव है और यहाँ प्रधान की निधि से ये रास्ते का कार्य कराया जा रहा था, जो कि जो है ये दबंग व्यक्ति हैं, भूमाफिया भी हैं, छेदालाल और ये मुन्नीलाल, शिवपाल, सुखलाल, इनकी घर की औरतों द्वारा ये खरंजा उखड़वाया गया है, जबकि प्रधान की निधि से ये खरंजा पास होके आया ऊपर से, कोई व्यक्तिगत मैं नहीं डलवा रहा हूँ, सरकारी पैसे से खरंजा डाला जा रहा है, जिसको इन लोगों के व्यक्ति ने आगे ना आकर अपनी औरतों को आगे कर दिया है, जिसे देखिए सामने जो है ये ईंट पत्थर सब उखड़े पड़े हुए हैं। ये जो खरंजे का निर्माण हो रहा है ये क्या छेदालाल की जमीन पर हो रहा है? इस जमीन को कब्जा करने की फिराक में, ये कब्जा करने की फिराक में, जबकि इनका घर मेरे घर से आगे, मेरे घर से काफ़ी आगे, जिसमें इनका कोई यहाँ जमीन का हक नहीं होना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती जिस जगह पर खड़ंजे का निर्माण हो रहा है, ये ग्राम समाज की जमीन है या छेदालाल की जमीन है? ग्राम समाज की जमीन है, ग्राम समाज की जमीन है, आबादी के अंदर है, ये किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के नाम से नहीं है। खड़ंजे का निर्माण किस निधि से हो रहा है, कौन करा रहा है, प्रधान का नाम क्या है? प्रधान नरेंद्र कुमार सिंह यादव, ये जो है इनके द्वारा कराया जा रहा है, जो कि ऊपर से पास हो गया है, ग्राम विकास BDO के द्वारा पास किया गया है, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा पास किया गया है, विकास अधिकारी पास किया गया है। और आज सुबह जिन लोगों ने इस खड़ंजे को उखाड़ कर फेंका है, वो लोग कौन है, उनके क्या नाम है? जिन लोगों ने उखाड़ के फेंका है उनमें से जो है उनकी घर की औरतों के नाम है रामकली, बताओ कुछ लोगों को पता है, श्यामकली, ललिता और उनके घर की नीना, पप्पी, गुड़िया और भी कई लड़कियां हैं उनकी, जिनके करीब 15-20 औरतें भेज करके उन्होंने पूरे खरंजे को यहां से वहां तक उखड़वा दिया है, ताकि औरतों को हाथ कोई न लगा सके, इसलिए उन्होंने औरतों को आगे किया है, जिस परेशान है, जबकि बारिश में हमारे यहां पानी भर जाता है, मैंने प्रधान जी से रिक्वेस्ट किया तब उन्होंने ये रास्ते का कार्य कराना शुरू किया, जिसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, मेरा मकान और मेरे चाचा का ये मकान है, श्री मोजीलाल का। आप लोगों में से किसी को आपत्ति है? जी सर, आपत्ति है, शौचालय आने में आपत्ति नहीं है, रास्ते बनने में किसी को कोई आपत्ति है? कोई गलत ये नहीं। आप लोग इसी टी शर्ट भरा रहता है। अम्मा आप यहाँ की निवासी हैं, गांव की, इसी गांव में रहती हैं,
आपको इस रास्ते को रास्ते का निर्माण कराने में कोई ऐतराज है? कोई ऐतराज नहीं, हमको बड़ी बड़ी खुशी है कि हमारा बन जाए। अच्छा जी। लेकिन रास्ते के निर्माण से आप लोगों को लाभ है? ये रास्ता जो है बनना चाहिए, ये रास्ता बनना चाहिए। ये छेदालाल की संपत्ति है रास्ता? ना, गांव समाज की, गांव समाज की है, सरकारी जगह, सरकारी जगह है। क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार सिंह। आप इस गांव के प्रधान हैं? हाँ जी। कौन सा मोजा लगता है ये? ग्राम बघारा है। प्रधान जी, क्या समस्या आ जाएगी आपके? आपने ग्राम पंचायत निधि से, जो भी आपकी निधि है, आपने उससे ग्राम विकास का कुछ कार्य कराया है। हाँ। आज कुछ समस्या उत्पन्न हुई, क्या समस्या, क्या है पूरा मामला? ये इंटरलॉकिंग करवा रहे थे तो इस पर आगे ये समस्या उत्पन्न हो रही है, यहाँ तक ये इंटरलॉकिंग पर के आ चुकी है जी। और समस्या हो रही है कि ये इंटरलॉकिंग श्री छेदालाल द्वारा बेचने दिया जा रहा है, और ये गाँव के लोगों ने, सभी गाँव के व्यक्तियों को समस्या है, तो गाँव के लोगों ने आकर के इंटरलॉकिंग अपने हाथ से बिछा दिया, तो इसको उन्होंने घर की महिलाओं को भेज करके सब इंटरलॉकिंग उतनवा के फेंकवा दिया है, और SDM महोदय को भी काल लगा रहे हैं, तहसीलदार साहब को भी काल कर रहे हैं कि मौके पर आकर के इसका निस्तारण कर दीजिए, जो भी है इसके खाद के गड्ढे बताए जा रहे हैं। तो हमारा कहना है कि चिन्हांकन करवा दीजिए, अगर चिन्हांकन हो जाए कि खाद के गड्ढे कहाँ हैं, और जबकि छेदालाल ने खाद के गड्ढों में चार बिछुआ में तो घर बना रखा है, तो खाद के गड्ढे बच ही नहीं रहे हैं और चिन्हांकन नहीं किया जा रहा, ना तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है। 2 साल से प्रकरण चल रहा है, उन्होंने खाद के गड्ढे में घर बना रखा है, लेकिन रास्ता नहीं बन सकती ग्रामवासियों के लिए। प्रधान जी, जिस रास्ते पे आप ये इंटरलॉकिंग का कार्य करा रहे हैं, ये छेदालाल की जमीन है कि ग्राम समाज की जमीन है, या रास्ता है, आम रास्ता है? ये वैसे तो कुछ जमीन बस्ती में आ रही है, आबादी की जमीन आ रही है, और हो सकता है बगल में खाद के गड्ढे हैं, लेकिन ये जमीन छूट रही है, खाद के गड्ढों की बगल में जमीन छूट रही है। अधिकारियों से हमने कहा मौके का निरीक्षण कर लीजिए, लेकिन कोई उपस्थित नहीं हो रहा है। पूर्व समय में आपने इसकी शिकायत भी की थी? हाँ, हाँ, पूर्व समय में लेखपाल ने क्या रिपोर्ट लगाई थी? लेखपाल जी ने रिपोर्ट लगाई थी कि इसमें पुलिस की आवश्यकता है, और पुलिस मौके पर जाकर पुलिस बल की जरूरत है, और कार्य कराया जा सकता है। आपने इसकी शिकायत अभी हाल में ही किसी उच्च अधिकारी से किया? हाँ हाँ बिल्कुल, SHO साहब को भी, जो SHO आपके पहले थे, उनको भी सूचित किया गया, चौकी इंचार्ज सर को भी सूचित किया गया, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपने इसकी शिकायत तहसीलदार, जिला अधिकारी या SDM महोदय, किन किन अधिकारियों से की? एडीएम साहब के पास गए, एडीएम साहब ने खुद लिख के दिया SDM मैडम के लिए कि स्वतः मौके पर जाकर निरीक्षण करें, लेकिन SDM मैडम अभी तक उपस्थित नहीं हुई। अच्छा जी, कल या परसों में कोई तहसीलदार यहाँ पे आए या कानून को कोई आया? कानून को साहब आए थे और लेखपाल जी आए थे, जो कि वर्तमान समय में सतीश चौहान जी लेखपाल हैं। उन्होंने कहा कि प्रधान जी आप बनवाइए, जनता के समक्ष, सभी लोगों के समक्ष कहा था कानून को साहब ने कि बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज ये स्थिति उत्पन्न हो रही है।